अस्सलाम वालेकुम तीनों हजरात, जे जे सी फूड की तरफ से आपका खुद जवाब जावेद चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और कितने बजे हाजिर है? सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे इस वक्त आंखों और भारी आवाज के साथ हाजिर है इस वक्त। और आए भी हम रिक्शे में है। हाँ, गाड़ी जब अपनी गाड़ी निकालने गए थे तो देखा था कि पार्किंग में जगह ही नहीं है, जगह गाड़ी निकालने की जगह नहीं है, मतलब पीछे हमारे गाड़ी खड़ी कर दी बाकी लोगों ने। हाँ, और बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह उठ के हमने कहा आज नाश्ता तो करना ही है मजीद न्यारी से। ये सुबह 4 बजे खुलती है तो हम भी 4 बजे पहुँचे हैं और हमने सोचा था कि जल्दी जाएँगे, रश नहीं होगा, आराम से बैठ के खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो अन्य वाह रश लगा हुआ है। तो रश आप देख ही लेंगे, गाड़ियाँ क्यों लगा हुआ है, वो दूर तक बाइक पे लोग आए हुए हैं। हम आए हैं रिक्शे में और हमारे रिक्शे की लाइट भी नहीं थी तो भाई ने वो घुमा के लाया ना, ठंड लगी आखिर किस्म की कसम से। मैं कहता हूँ कि अन्नी पै गई अन्नी पै गई, सीधा कहता अन्नी पा दो, मैं कह लो जी अन्नी पै गई, अज वाकई अन्नी पै गई है। तो अभी इनकी निहारी खाते हैं तो रात को भी साथ खिलाते हैं 4 बजे। हाँ तो नाज़रीन नहारी हमारी आ गई है, 4 बजे ये खुलता है, 4:30 बजे हम आए हैं। हमने मगज़ नली नहारी कहा लेकिन उन्होंने कहा जी नली ख़त्म हो गया, सिर्फ मगज़ रह गया यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। ओपनिंग के आधे घंटे बाद नली ख़त्म हो गई है तो इधर ऐसे सीन बना हुआ जैसे कोई लंगर खाना नहीं लगा होता। ये फुटपाथ पे साइडों पे कारपेट जो छोटा छोटा प्लास्टिक का बिछा हुआ है, फुटपाथ पे बैठे उन्होंने कहा भाई आ जाए, वो टेबल फ्री हो गया है तो आप टेबल पे आ जाए। अब हम बैठी हुई है, लंगर खाने लगा हुआ है एक किस्म का। तो अभी नली नली नहारी ट्राई करते हैं मगज़ के साथ। आते हुए बल्दिया की ट्रैक्टर ट्राली नज़र आई है लेकिन इधर आते हुए काफ़ी रश था। बहुत मज़े की है लाल भाई, थोड़ा सा नींबू भी डाले उनको, पैसे पूरे हो गए जो भी दिए नहीं सुबह जागने के। हाँ जागने के क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी। इसके अंदर एक बीफ का पीस है जो इंतहाई टेंडर हुआ हुआ है, बीफ का पीस के साथ लगाते हैं मगज और ओए 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 ये तो पूरा नहीं सीन किसी ना यार 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 सब में बहुत मज़े लिया बिरयानी है नहीं इसका अंदाज़ लगा मैं दुआ काम नहीं कर रही सवाल। रात को 1 बजे सोए सुबह 4 बजे जागे, उससे पिछली रात 2 बजे सोए 3 बजे जागे। तो अगर मैं बिरयानी का मामले समझ में नहीं आ रही गया, आप हमारी बातों पे गौर ना करें, हमारी स्पीड देखें बस। अभी हम ये खाते हैं और यार जाते हैं ये सही जैसे पेशावर से बीफ का हमें टेस्ट मिला था ना। हाँ बीफ बहुत मज़ेगा, बीफ का हब है पेशावर, जैसे उधर टेस्ट मिला था ना वैसे टेस्ट है बिल्कुल इसका, और एक बड़ी डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट है। तो बहुत मज़े की नहारी है, मैंने पहली बार खाई है ज़िंदगी में नहारी वैसे, मैंने आज दूसरी बार खाई है लेकिन बहुत मज़े की है, उससे ज़्यादा अच्छी है जो पहली बार खाई थी, बहुत मज़े की। हम ये खा लें आप सोच वैसे एक बात और है, उसे कहा था एक नहारी लाऊं अब दो कहनी पड़ेंगी मेरा तो दिन कर रहा अलग खाऊंगा, था सुबह सुबह खाने नहीं होगी लेकिन बहुत मज़ा आएगी। तो जी आप सुन हम भी खा के सोते हैं
मिक्स हो गया। हम इस वक्त आए हैं सदर है ना, सदर 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 में है अजीज़ टिक्का कबाब, नाम तो काफ़ी सुना है इसका। तो इनकी हमने मटन कबाब कराई और मटन टिक्का कराई, ये हमने बनवाई है। ये पहले इसे ग्रिल करते हैं और उसके बाद इसे ये फ्राई करते हैं। तो अभी इनका टेस्ट चेक करते हैं, टेस्ट कैसा कैसा है। पहले मटन टिक्का, एक यहाँ मटन चीज है मटन कबाब, इसमें चटनी के बगैर पहले फ्राई करते हैं तभी टेस्ट आएगा ना असल वाला। बहुत मजे का लोरी बकरा या रावल पिंडी नहीं नहीं ये पिंडी है लाहौर नहीं है, अल्लाह करे पिंडी वाला ही हो। अभी मटन कबाब टिका बॉडी का टेस्ट तो अच्छा है जी, कबाब का भी टेस्ट चेक करते हैं। बहुत गर्म था, टेस्ट का पता नहीं चला, मुंह सड़ गया, बहुत तता था। अभी ठंडा करके खाना, मतलब है कि गरम गरम फूड मार फूड ठंडा करके खाना, कोई शक नहीं। उधर खा दिया तो आप चेक कर सकते हैं। जवाद भाई ने अपनी जुबान जलने का रिस्क लेके मुझे बचा लिया। धर्म धर्म भूत मार भूत मार। हाँ बहुत धर्म धर्म था। भूत मार भूत मार के खाना है, धर्म धर्म नहीं खाना। मैं दो तीन भूते ने मारी है, पहले ठंडा हुआ या नहीं हुआ, धर्म धर्म है और अब तनी थदी थंदी लगा रही है। कबाब का जैसे नाम है क्वालिटी भी उसी तरह का है, बहुत मज़े का जबरदस्त जी, बहुत अच्छा टेस्ट बिल्कुल सर, बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। आपको बारबेक्यू में भी फ्राई का भी कढ़ाई का भी तीनों टेस्ट मिल के आ रहे हैं। अगर सिर्फ बारबेक्यू खाना चाहते हैं वो आपको दे देंगे, अगर कढ़ाई आप नहीं पसंद करते हैं। लेकिन पहले इसको बारबेक्यू बनाते हैं फिर इसको फ्राई करते हैं और साथ तड़का लग जाता है कढ़ाई वाला, हड्डी वाला गोश्त भी है, तीनों कॉम्बिनेशन बड़े मज़े के बन रहे हैं। अच्छा जी अभी हम ये फिनिश करते हैं तो इसके बाद फिर आप हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्लेस पे। और उससे पहले कि ये जो चाय है ना ये हमारे भाई कश्मीर से हैं, ये आज़ाद कश्मीर से, कौन सी जगह से आप? नालिया। ये किस साइड पे है? बुलंदरी से आगे, नालिया मेरा गांव बुलंदरी से आगे। तो ये हमारे कश्मीर से आए हैं भाई, तो कश्मीरियों को तो जब भी यहाँ पे आए तो फिर चाहिए कि इनके पास आए। कैफ़े हवाना, ये मैं इसकी आपको वीडियो तो शो मैंने कर दी है। तो यहाँ पे आए अपटाउन मरकज़ में, बिल्कुल ये मिडल में है, तो यहाँ पे आप आएँ और इनकी ये मटका चाय ट्राई करें, हम देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके अलावा हमारे पास कश्मीरी चाय भी है। अच्छा कश्मीरी चाय भी है, वो भी अगर कश्मीर के बंदे हैं कश्मीरी चाय तो होगी लाजमी होनी चाहिए। टेस्ट करते हैं और चाय के अलावा भी कोई वैरायटी है या? रोल पराठा, पराठा जूस, सूप, पराठा वगैरह, रोल पराठा, ये रोल पराठा भी हमारे पास, बर्गर, चिकन रोल पराठा, चिकन रोल पराठा है, चिकन चीज़ पराठा है, ठीक है, सिंपल पराठा भी है, बर्गर भी, अंडे वाला बर्गर है। ज़बरदस्त यार, काफ़ी वैरायटी है माशाल्लाह आपके पास। ओहो चाय ट्राई करो, ज़बरदस्त यार, बहुत मज़े की चाय, बहुत। वैसे मैं चाय का शौकीन बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा इनका सेटअप, इनका चाय पेश करने का अंदाज, और ये देखें छोटे छोटे मटके क्यूट क्यूट से इनमें चाय सर्व की जा रही है, और टेस्ट इसका बहुत मज़े का, एक चाय के अंदर से एक मज़े की खुशबू सी आ रही है, मिट्टी, हाँ मिट्टी के बर्तन की खुशबू आ रही है, और बड़ी वो एक ना हाइजेनिक सी एक फील दे रही है। हमने एक दो जगह से पी हुई है मटका चाय, तंदूरी से पी है, मटका होटल से पी थी, लेकिन वहाँ पे जो हम चीज़ तलाश कर रहे थे वो हमें यहाँ से मिली है। ये मटके को पहले गर्म करते हैं तंदूर में, गर्म करते हैं गैस पे, तंदूर में गर्म करते हैं कोयलों पे, वो तो नॉर्मल चाय बना के तो मटकों में डाल के दे देते हैं, लेकिन ये पहले मटके को गर्म करते हैं, उसमें जब चाय डालते हैं तो वो उबलती है अंदर से, और जो उसका फिर वो माहौल बन जाता है।
ये भाई हैं हमारे, ये भाई इनका ये होटल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। हमने रिसेंटली अपना सेटअप खोला है एफ्टन मरकस मेन सफीलो के बिल्कुल फ्रंट पे है ये, और एक F11 मरकस में है। यहाँ हमने भी इंट्रोडक्शन कराई है न्यू मटका चाय, जो पहले इस मरकज़ में नहीं मिलती थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। आप लोग आएँ, आपको इंशाल्लाह प्रोटोकॉल भी देंगे, अच्छा टेस्ट भी देंगे, अच्छी चाय भी मिलेगी, जिसमें चाय है हमारे पास कश्मीरी चाय है, आम कड़क चाय है, बादाम वाली इलायची कावे भी हैं, कावे भी हर फ्लेवर में है, और कश्मीरी चाय भी है, पराठा रोल पराठा जूस सूप हर रेट में मुनासिब रेट और अच्छा इन्वायरमेंट। तो वेलकम टू ऑल मिडल में है। जी बिल्कुल सेंटर में, एफ्टन मेन मरकज सेंटर में आई है। ये बहुत बड़ा हब बन चुका है इस मरकज का, जहाँ लोग चाय पीने आते हैं। स्ट्रीट बन गई है अब तो कैफे हवाना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली, आप लोग कैफे हवाना आएँ, हमारे पास बैठें, चाय पिए, इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, और पहले तो हम हुसनैन भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने आज दूसरा दिन भी हमारे साथ गुजारा है अपने बाकी काम काज छोड़ के। दिन को तो थोड़ा सा ये बिज़ी होता है, शाम को ज़्यादा बंदा थक जाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ आए हैं। हुसनैन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं जी, हम जवाब भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में ये जो चीज़ें हैं ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बाकी मेरी इनके लिए दुआ है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा चले। और मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जब भी पिंडी इस्लामाबाद में आएँ नईम भाई को साथ लेके आएँ, क्योंकि उनका आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नईम भाई के बगैर आप नहीं आ सकते। हाँ नहीं नहीं, उनको साथ ज़बरदस्ती लेके आना है। ठीक है, कमी महसूस? हाँ बहुत ज़्यादा कमी पेश होती है उनकी, और बहुत याद आती है। तो उनको बोले हो गया आपको नईम भाई से मिले? तकरीबन शायद दो साल के बाद मिले। हाँ शादी, आपकी शादी? हाँ मेरी शादी में मुलाकात हुई थी, दो साल हो गए हैं। तो माशाल्लाह नईम भाई सुन लें, ये देख लें कि ये रिक्वेस्ट है नईम भाई के लिए कि नईम भाई जब आएँ तो क्या नाम है लाजमी आए, साथ आए, इनके साथ आए, और जेजेसी फूड को बेहतर से बेहतर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, और क्या नाम है ना व्यूज़ बढ़ाएँ इसके, अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। तो मेहरबानी, थैंक यू सर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हमें कुछ बोलने की अब ज़रूरत नहीं है।